फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नव्या सुमित ऑफिशियल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बटर स्कॉच चंक्स, इसे हम पैरालाइन भी बोलते हैं। ये मैं बता रही हूँ कि बेकरी में कैसे यूज होता है। जो हम बटर स्कॉच केक खाते हैं तो वहाँ पे उसके अंदर क्या, अंदर में केक की स्पेशलिटी को बढ़ाने के लिए उसके अंदर क्या यूज किया जाता है, जो कि जो केक के फ्लेवर को और इन्हांस करता है, तो वो मैं आपको अभी बता रही हूँ। चलिए मैं बताती हूँ कि बटर स्कॉच चंक्स कैसे बनाते हैं बेकरी स्टाइल। ये मैंने 1 बाउल काजू लिया है और 1 बाउल शुगर लिया है। ये मैं ज़्यादा केक बना रही हूँ तो इसके लिए मैंने अपने हिसाब से ऐसे क्वांटिटी ले लिया है। आप अगर 1/2 kg का केक बना रहे हो तो उसके लिए आप 1/2 कप शुगर ले सकते हो। तो अगर उसे ज़्यादा बना रहे हो लाइक, तो आप 1/2 कप 1/2 kg में लोगे तो उस हिसाब से आप मेज़र कर लो। और ये काजू आप कम या ज़्यादा ले सकते हो। तो मैं ज़्यादा शुगर लिया, 1/2 कप से ज़्यादा शुगर है मेरा, तो ऑलमोस्ट इतना काजू लिया है मैंने। मैंने गैस ऑन कर दिया है और पैन चढ़ा दिया और उसमें काजू डाल दिया है। इसको हम हल्का सा रोस्ट करेंगे। हम कोई भी चीज़ बटर स्कॉच चंक्स बनाने के लिए अगर यूज़ करते हैं तो उसे हल्का सा रोस्ट करते हैं। तो इसे हम ज़रा सा रोस्ट करेंगे और फिर ये मैंने काजू को जो है सो रोस्ट कर लिया है हल्का सा, ठीक है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, अब हम शुगर को मेल्ट करेंगे। तो हम शुगर को मेल्ट करेंगे, पहले हमने काजू को रोस्ट कर लिया है, अब हम शुगर मेल्ट करेंगे ब्राउन होने तक। अब हम इसमें शुगर को डाल देंगे और स्पैटुला, देखिए ये मैंने शुगर को जो है डाल दिया है और अब मैं स्पैटुला की मदद से इसे मेल्ट करेंगे ब्राउन होने तक। आपको एक टिप्स देना चाहूँगी, शुगर जो हमारी है वो जल जाती है, तो हम जैसे कि हल्का सा जैसे ही मेल्ट होगा, गर्म होगा, हम इसे नीचे उतार लेंगे। फिर देखेंगे कि अब वो फिर वापस से उसे चढ़ाएंगे गैस पे, ऐसे उतार के चढ़ाएंगे ऐसे करेंगे, क्योंकि शुगर हमारी जल्दी जल जाती है, ठीक है। और इसमें हम बार बार स्पैटुला या फिर चम्मच जो है वो नहीं डालेंगे। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें बार बार चम्मच या स्पैटुला नहीं डालना है, क्योंकि ना फिर उसमें ना गांठे बन जाती है, तो वो आप मत करना। जैसे ही ये थोड़ा सा गर्म हुआ, मेल्ट होना स्टार्ट हो गया, मैंने इसे गैस से उतार दिया है। अब वापस से इसे मैं चढ़ाऊंगी, वापस से मैंने इसे चढ़ा दिया। ऐसे हम 3-4 बार करेंगे, जब अपने आप ये मेल्ट हो जाएगा ना, फिर हम इसमें बताती हूँ कि मैं फिर इसमें ऐड करूंगी। ये हमारा शुगर जो है वो मेल्ट होने लग गया है। मैंने अभी तक स्पैटुला यूज नहीं किया, बस इसे मैं यही करती हूँ कि जरा सा गर्म होता है मैं इसे फिर वापस से गैस से हटा देती हूँ, फिर थोड़ा सा जैसे मेल्ट होता है फिर मैं वापस उस पर गैस पे डाल देती हूँ, ऐसा करते हैं। अब ये थोड़ा थोड़ा अभी दिख रहा है तो अभी ये और मेल्ट होगा। अब यहाँ पे जाकर के हम जरा सा स्पैटुला यूज करेंगे और फिर इसे अच्छे से मिला देंगे, और जब ये पूरे शुगर मेल्ट हो जाएंगे फिर हम इसमें जो हमने शुगर अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, तब जो हमने काजू को ड्राई रोस्ट किया था उसे हम इसमें हल्का सा दरदरी कर लेंगे और उसके बाद फिर हम इसमें मिक्स कर देंगे। ये देखिए मेरा शुगर सिरप जो है वो काफ़ी अच्छे से, बहुत अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब जो हमने काजू दरदरी किया था उसे इसमें डाल के मिक्स कर देंगे। आलिया एक प्लेट ले ले, उसको अच्छे तरीके से ग्रीस कर दे। इसी के ऊपर जो हमने ये देखिए, मैंने ये इसको मिक्स कर दिया है, जो हमने दरदरी किया था उसको इसमें मिक्स कर दिया है। अब इसको जो है हम इस पे ग्रीस की हुई थाली पे पलट देंगे, अच्छे से फैला देंगे, नहीं तो ये जल्दी से जम जाएगा, तो हमें इसे जल्दी से फैलाना पड़ेगा। देखिए इसे मैंने ग्रीस की हुई प्लेट पे इसे अच्छे से फैला दिया है और अब हम इसे ठंडा होने तक रख देंगे। ऐसे यहाँ फैन के नीचे भी रख सकते हो और नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर भी ये ठंडा हो जाएगा, तो इसे हम ठंडा कर देंगे। ठंडा हो जाने के बाद इससे हम जो है इसके कुछ बड़े बड़े टुकड़े निकाल लेंगे, कुछ छोटे छोटे टुकड़े निकाल लेंगे और इस तरह से हमारा बटर स्कॉच चंक्स जो है वो रेडी है। वो रेडी होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैं इसके टुकड़े निकालती हूँ। ये देखिए ऐसे हम इसे चाकू की मदद से इसे धीरे धीरे हटाएंगे, तो ये कुछ चंक्स ऐसे बड़े बड़े वाले भी पीसेस कट करने हैं और कुछ छोटे छोटे करेंगे। जब ये हम केक को डेकोरेट करेंगे ना, तो टॉपिंग पे भी ना इसको ऐसे डेकोरेट कर सकते हैं, तो इसके लिए हम बड़े बड़े चंक्स भी निकालेंगे। छोटे छोटे वाले क्रंचेज है, जब हम केक की लेयरिंग करते हैं ना तो उसमें ये छोटे छोटे वाले को डालते हैं। तो ये हमारा बटर स्कॉच चंक्स यानी कि पैरालाइन जो है वो ये हमारा रेडी है। अब आप यूज़ कर सकते हो इसे बटर स्कॉच केक में। अभी आप इसे टॉपिंग्स पे यूज़ करो, लेयरिंग में यूज़ करो, आप इसे ऐसे खा भी सकते हो, तो आप जैसे मर्जी चाहे इसे यूज़ करो। तो हमारा ये बटर स्कॉच का चंक्स रेडी है।